Assalamu alaikum, boys and girls. How are you today? We've got storytelling with a new chapter, remember? So, please listen carefully and look at the board if you want. Day at work. Dear diary, today was my first day of work and I am exhausted. The factory was not what I had expected at all. Dear diary, आज मेरा पहला दिन था काम का और मैं थक के चूर हो चुका हूँ. फैक्ट्री वो नहीं थी जैसे मैं सोच रहा था. At first, I thought my work would be really easy because I'm just doing the same simple thing over and over again. But as the day wore on, I realized how hard this job really is. पहले तो मैं समझा ये काम हलवा है, बड़ा आसान है. मैं वही एक काम किए जा रहा हूँ. मगर जूं जूं दिन भर रहा मुझे पता चला ये काम बड़ा सख्त है. Oh dear, the machines were so loud that I could barely hear the instructions the supervisor was giving me. मशीनें तो इतनी ज़्यादा आवाज़ वाली थी कि मैं कोशिश भी करूँ तो सुन नहीं पाता था सर अपने सुपरवाइज़र को. He was running around yelling at everyone to go faster. वो भागे जा रहा था इधर उधर, चीखे जा रहा था सब पे कि जल्दी जल्दी करो काम. He yelled at me a couple of times, but the other girls said that I would get used to the work and be able to keep up in a couple of days. उसने तो मेरे पे भी चीखे दो तीन बार, मगर वो दूसरी लड़कियां थी ना, उन्होंने कहा कि मैं आदी हो जाऊंगी उनकी बातें सुनने की और जैसे जैसे मेरा वक्त गुजरेगा यहाँ वैसे वैसे मैं काम भी सीख जाऊंगी. थोड़ा वक्त लगेगा सीख जाऊंगी. It was really dark in the factory and after 12 hours of work my eyes were killing me. बड़ा अंधेरा था फैक्ट्री में और 12 घंटे काम करने के बाद मेरी तो आंखें बिल्कुल तकलीफ दे रही थी. It was also really hot in there. और उसके साथ साथ शदीद गर्मी भी थी. The machines and workers were packed together so tightly that we could barely breathe. वहाँ मशीनें भी थी और काम करने वाले भी थे साथ साथ बिल्कुल ऐसे पैक हुए हुए. मुझे सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी. फिर when we did breathe, it smelled like the oil from the machine. फिर जब हमने सांस लिया तो वो सांस में खुशबू आई तेल की, मशीनों की. I worked for over 12 hours today and it was really hard. आज मैंने 12 घंटे से ज़्यादा काम किया और बहुत सख्त था. My back hurt really badly because I couldn't sit down and rest except during our short lunch break. मेरी कमर पीछे तख्ता हो गई थी, ना मैं बैठ सकती थी ना आराम कर सकती थी. हाँ बस वो जो छोटा सा लंच ब्रेक था उस वक्त बैठी थी. बहुत थकने वाली जॉब है ये. आई एम होपिंग दैट इट विल गेट ईजियर
as I get accustomed to the job. मैं दुआ कर रही हूँ कि जूं जूं जैसे ये काम मेरा चलता है वैसे मैं used to हो जाऊँ इस काम के. If it doesn't, I'm not sure how long I will be able to bear this. और अगर ना हुआ तो मैं कह नहीं सकती मैं कहाँ तक और कब तक यहाँ रहूँ. I must stop writing now so I can go to bed and get some rest before I have to do this all again tomorrow. अच्छा अब मुझे ये लिखना पढ़ना छोड़ना चाहिए इस वक्त और मुझे जाके अब सोना चाहिए और आराम करना चाहिए क्योंकि मुझे फिर ये सब ऑफिस जाके दोबारा फैक्ट्री जाके करना पड़ेगा. सो इसलिए मैं अब रुकती हूँ. सो बॉयज़ एंड गर्ल्स डिड यू लाइक द स्टोरी. आई'd लाइक यू टू लुक एट द वीडियो अगेन लिसन टू द स्टोरी एंड ट्राई एंड रीटेल इट टू योर टीचर व्हेन शी कॉल्स. Hello, Fizz!